अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कम्प्रीहेंशन। ये प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर का सेकंड क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन को मिला लिया जाए तो ये तीसरा क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन एमसीक्यूज 20 नंबर के होते हैं, फिर उसके बाद जो सब्जेक्टिव पोर्शन का पहला क्वेश्चन प्रेसी के बारे में होता है, फिर सेकेंड क्वेश्चन जो है वो कम्प्रीहेंशन होता है। तो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन टेक्निकल और स्किल बेस्ड सेकंड नंबर पे है आफ्टर प्रेसी। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर ऑफ प्रेसी एंड कंपोजिशन। लेकिन इसको अटेम्प्ट करना प्रेसी की नस्बत कदरे आसान है। आज हम इसकी कुछ टिप्स के ऊपर बात करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि हम मुख्तलिफ किस्म की जो सबका पेपर्स की प्रेसीज हैं, कम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ्स हैं, उनके आखिर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर में। अभी फिलहाल हम ये बात करने जा रहे हैं कि आपने कम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है, उसकी तरफ चलते हैं। सिलेबस में जो आउटलाइन गिवन है वो इस तरह गिवन है, ए केयरफुली सिलेक्टेड पैसेज दैट इज रिच इन सब्सटेंस बट नॉट वेरी टेक्निकल और डिसिप्लिन स्पेसिफिक shall be given, followed by 5 questions, each carrying 4 marks. 5 questions, उसके एक पैराग्राफ होगा, उसको आपने समझना होगा। उसके एंड पे 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे और उनका जवाब उसी पैराग्राफ में गिवन होगा जिस पैराग्राफ को देख के आपने जवाब लिखना होगा। तो हम बात करते हैं इसकी बेसिक टेक्निक्स की कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपने। इसके हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं और 5 क्वेश्चन के 20 मार्क्स होंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कंपैरेटिवली ये इजियर है एज कंपेयर टू प्रेसी। अब हम बात करते हैं कि कंप्रीहेंशन और प्रेसी में सिमिलरिटीज क्या क्या हैं। दोनों में पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ये बात इन्वॉल्व है कि आपने पैराग्राफ के टेक्स्ट को पूरी तरह कंप्रीहेंड करना है। कंप्रीहेंशन के बगैर आप दोनों पेपर दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरी टेक्निक ये इन्वॉल्व है कि आपने हमेशा आइडियाज बारो करने हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, सेंटेंसेस को बारो नहीं करना, आपने आइडियाज वही लिखने हैं। आइडियाज आपने पैराग्राफ से लिखने हैं, उनको एक्सप्रेशन उनके वर्ड्स आपके अपने होंगे। तीसरी सिमिलरिटी ये है कि आपने अपना पर्सनल कमेंट, पर्सनल एनालिसिस, पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, अपनी तरफ से कोई चीज ऐड ऑन नहीं करनी है। हाउएवर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कंप्रीहेंशन के आखिर में जिसमें आपसे आपकी राय मांगी गई हो किसी टॉपिक के बारे में, तो वहां पे आप अपनी राय दे सकते हैं। जब आपसे राय डिमांड नहीं की गई तो आपने अपनी राय नहीं देनी। और चौथी चीज ये है कि यहाँ पे साउंड वोकैब फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने टेक्स्ट को समझना है और वोकैब के अच्छे एक रिजर्वायर के बगैर आप ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और इस तरह आपने, हाँ, पांचवी जो सिमिलरिटी है जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सका वो ये है कि चाहे पैराग्राफ प्रेसी का हो चाहे कंप्रीहेंशन का हो, दोनों को समझने के लिए आपको मल्टीपल रीडिंग रिक्वायर्ड होंगी। ये बात जहन में रखें कि आप एक रीडिंग करके प्रेसी या कंप्रीहेंशन के पैराग्राफ को कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल रीडिंग देना होगी। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस की कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं कंप्रीहेंशन वाले पैराग्राफ और प्रेसी वाले क्वेश्चन में। पहला जो डिफरेंस है वो है स्ट्रेंथ का। प्रेसी में आपने पैराग्राफ की ओरिजिनल स्ट्रेंथ को 1/3 पे लाना होता है, उसको कंप्रेस करना होता है, उसको 1/3 पे लेके आना है। जबकि कंप्रीहेंशन में ऐसी कोई टेक्निक इन्वॉल्व नहीं होती है, आपने बस सिंपल जो क्वेश्चन गिवन है उनको ही उसका जवाब देना होता है इन द लाइट ऑफ द कंटेंट गिवन इन द पैराग्राफ। और दूसरी बात यह है कि कंप्रीहेंशन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इजियर है एज कंपेयर टू प्रेसी राइटिंग, क्योंकि इसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन जो आखिर में पूछे गए हैं, 5 एक क्वेश्चन, उनको पहले पढ़ लेंगे, आपको उन क्वेश्चन से ही आइडिया हो जाएगा कि इस पैराग्राफ की कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ही आपको लीड करते हैं कि जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप उन्हीं क्वेश्चन के जवाब ढूंढेंगे। तो इस तरीके से आपको एक क्लू मिल जाता है कंप्रीहेंशन में।
अब हम बात करते हैं कि आपने कैसे सॉल्व करना है कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन। सबसे पहली चीज कि आपने एटलीस्ट दो दफा अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन गिवन है, आखिर में पांच एक क्वेश्चन, उनको गौर से पढ़ना है कि उनमें जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या पूछ रहा है। उनको अच्छी तरह पढ़ने और समझने के बाद आपने एटलीस्ट दो दफा पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। क्वेश्चन समझने के बाद फिर आपने पैराग्राफ को रीडिंग करना शुरू करनी है। पहली रीडिंग में आपने ये देखना है कि जो आपके पांच क्वेश्चंस हैं वो उनके जवाब का आइडिया आपको हो रहा है या नहीं हो रहा। जहां जहां पे आपको लगे कि ये क्वेश्चन नंबर वन का जवाब है उसको आपने जो है वो अंडरलाइन कर लेना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू का जवाब कहाँ पे है, तो उसका जहाँ पे जवाब होगा उसको अंडरलाइन कर लेना है। जहाँ पे लगे आपको कि क्वेश्चन नंबर थ्री का जवाब है, क्वेश्चन नंबर फोर का जवाब है या क्वेश्चन नंबर फाइव का जवाब है, उनको आपने अंडरलाइन करना है। एक बात का ख्याल रखें कि ओवरलैपिंग किस्म के आपके जवाब नहीं होने चाहिए। पाँच क्वेश्चन है तो पाँचों के पाँचों डिफरेंट आंसर होंगे, ये बात ख्याल रखें। ओवरलैपिंग में आपने नहीं जाना, ओवरलैप नहीं करने आपके आंसर। फिर आपने ट्राई टू फिगर आउट द रेलेवेंट पोर्शन विच आंसर्स एनी ऑफ द क्वेश्चन, ये वही बात जो मैंने आपको कर दी। तीसरी बात ये है कि अंडरलाइन करें और नंबरिंग करें कि अच्छा ये जो पहली दूसरी लाइन, दूसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस है, ये पहले क्वेश्चन का जवाब है, फिर अगला सेंटेंस जो है ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब है। इस तरह आप अंडरलाइन करते जाएंगे। फिर एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ऑल आंसर्स लाई इन द पैराग्राफ, ऑल आंसर्स लाई इन दी पैराग्राफ, इन तमाम जो आंसर हैं वो उसमें गिवन होते हैं। अगेन आई रिपीट कि ये बात आपके जहन में रहे कि तमाम आंसर के क्वेश्चन पैराग्राफ के अंदर होंगे और किसी भी आंसर को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी आप उस वक्त तक अपनी राय शामिल नहीं करेंगे जब तक आपसे आपकी राय या क्रिटिकल एनालिसिस आपका अपना ना पूछा जाए और स्पेसिफिकली ये मेंशन ना किया जाए कि आप अपनी राय इसके बारे में दें। इसके अलावा बाकी तमाम जो क्वेश्चन होंगे उनके जवाब उसी पैराग्राफ में होंगे और वो आपको मल्टीपल रीडिंग से दो दफ़ा तीन दफ़ा पढ़ने से, आपको पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे उससे पहले आपने दो दफ़ा रीडिंग दी होगी क्वेश्चंस को और उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए आपने जब रीडिंग करनी है, मल्टीपल रीडिंग करनी है, तो आपको समझ आ जाएगी। आप अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट पोर्शन को कि ये क्वेश्चन नंबर वन का जवाब है, टू का, थ्री का, और इस तरीके से आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो है स्टार्ट मेकिंग ए रफ ड्राफ्ट ऑफ ऑल दी आंसर्स। आप इसमें अब जो रफ ड्राफ्ट लिखने हैं आपने, कोशिश करें कि आप कॉपी पेस्ट ना करें, आइडियाज को बारो करना है एक और जो सेंटेंसेस हैं उनको कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। अपने वर्ड्स में जवाब लिखने हैं, अपने वर्ड्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करें, अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स यूज करें और यानी ऐसे लगे कि आपने जवाब आइडिया वही कन्वे किया है जो कि पैराग्राफ में है लेकिन अल्फाज आपके अपने हैं, आपने अपने लफ्जों में लिखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर ये स्टूडेंट गलती करते हैं कि वही सेंटेंसेस कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे सेंटेंसेस को और ठीक जवाब लिखेंगे तो इवन देन कोई फायदा नहीं है। अगर आपके जवाब ठीक भी हुए और लेकिन अगर आपने कॉपी पेस्ट किए हुए तो इससे आपके नंबर कट जाएंगे। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने वर्ड्स में रेलिवेंट आंसर लिखने हैं। आप रफ ड्राफ्ट के लिए मोर देन वन ड्राफ्ट भी लिख सकते हैं। और तीसरी अगली चीज यह है कि आपने फर्स्ट पर्सन को यूज नहीं करना। अगर गिवन पैराग्राफ आई वी के साथ स्टार्ट हो रहा है तो आप वहां पर ये लिखेंगे कि द ऑथर हैज सेड या द राइटर हैज सेड, इस तरह आप लिख सकते हैं। थर्ड पर्सन में आपने लिखना है और डायरेक्ट स्पीच आपने यूज नहीं करनी। अगर वहां पर डायरेक्ट स्पीच गिवन भी है तब भी आप उसको इनडायरेक्टली जवाब में लेके आएंगे। फिर आपने रफ ड्राफ्ट बना दिया तमाम आंसर्स का, अब आप इसके फेयर ड्राफ्ट लिखना शुरू करेंगे और आंसर्स नंबर वन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर वन का, क्वेश्चन नंबर टू थ्री, ये सीक्वेंस में लिखने हैं आपने। इसका आपने सीक्वेंस कोशिश करें चेंज ना करें क्योंकि छोटा सा तो क्वेश्चन है और सीक्वेंस में ही इनके जवाब दें। एक अच्छी कंप्रीहेंशन की बुनियाद आपकी अच्छी वोकैबुलरी बेस पे है और वोकैबुलरी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो इसका मतलब ये होगा कि एक तो आपने कंप्रीहेंशन के पैराग्राफ को समझा है और समझने के लिए भी आपकी वोकैब होना जरूरी है और फिर आपने जो बात कन्वे करनी है अपनी
उसके लिए आपके पास भी अच्छी वोकैब का होना जरूरी है। यानी जिस स्टूडेंट्स की जिस स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी अच्छी होगी वो और जिसका एक्सप्रेशन अच्छा होगा वही जवाब को अपने वर्ड्स में कन्वे करेगा। और तो हमने ये समझा कि दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं, एक पैराग्राफ को समझना, अंडरलाइनिंग ये तय करना कि इस सवाल का जवाब कहाँ पे लिखा हुआ है, और सही जवाब पॉइंट आउट करना, और फिर उस जवाब को अपने अल्फाज में लेके आना। ये सबसे अहम है कि आप जवाब को अपने अल्फाज में लेके आए। अब एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि एक आंसर का स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। देखें, एक आंसर जो है 4 नंबरों का होता है, उसके लिए एटलीस्ट आपको 4 से 5 सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये आप डिपेंड इस बात पे भी करता है कि जो पैराग्राफ गिवन है उसका कितना पोर्शन उस क्वेश्चन से रेलेवेंट है, यानी ये क्वेश्चन का जो जवाब गिवन है उस पैराग्राफ में उसका कंटेंट कितना है उसको भी आपने देखना है। कोशिश करें 3 से 4 सेंटेंसेस, नॉट मोर देन 5, बट कोशिश करें कि 4 सेंटेंसेस हो जाएं। अगर आपको लगे कि 3 सेंटेंसेस में जवाब आ रहा है तो 3 लिख दें, 4 से 5 आर दी आइडियल सेंटेंसेस। क्योंकि आपने कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करनी, ज्यादा उसको अपने वर्ड्स तो देंगे लेकिन अपनी ओपिनियन आपने नहीं देनी है। आपने जो बात पैराग्राफ में लिखी हुई है उसी को अपने अल्फाज में बयान करना है, अपनी तरफ से कमेंट्री भी नहीं करनी है, आपने स्टिक करना है टू द कंटेंट ऑफ द गिवन पैराग्राफ। तो डिपेंड करता है, अगर पहले क्वेश्चन का जवाब 6 से 7 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल है तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू राइट 6 to 7 सेंटेंसेस। लेकिन एज ए रूल ऑफ थम आपने ज़हन में रखना है कि 4 से 5 सेंटेंसेस जो है वो एनफ हैं, वर्ड्स आपके अपने हों, एक्सप्रेशन आपका अपना हो, आइडिया वही हो जो पैराग्राफ में गिवन है, ये है रूल ऑफ थम इसके लिए। अब एक क्वेश्चन ये है कि हाउ टू काउंटर डिफिकल्ट वोकैबुलरी इन द एग्जामिनेशन हॉल। एक पैराग्राफ आ गया जिसके वर्ड्स काफ़ी मुश्किल हैं जिसमें लिखे गए हैं, तो ऐसे वर्ड्स को मीनिंग को गैस करने के लिए आपके पास एक ही टूल है कि आप मल्टीपल रीडिंग दें, और मल्टीपल रीडिंग के जरिए कंटेक्स्ट के जरिए कि किस कंटेक्स्ट में ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है आपको कुछ ना कुछ उसका अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू यूज़ डिक्शनरी इन द एग्जामिनेशन हॉल, वहाँ पर ऐसा कोई हेल्पिंग टूल आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो आपने मल्टीपल जो रीडिंग दे के ही गैस करना होगा इस वर्ड का क्या मतलब बनता है। तो ये था हमारा कम्प्रीहेंशन के बारे में आज का लेक्चर, होपफुली आपको ये पसंद आएगा। आने वाले लेक्चर में हम प्रेसी के जो पेपर है वो भी सॉल्व करेंगे, कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि प्रेसी को और कम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। आपको बेसिक टेक्निक्स हमने बता दी हैं, इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है ये आपको आने वाले लेक्चर में हम बताएंगे कि CSS के पेपर में जो कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आया हम उसकी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे आपके लिए, कुछ पास पेपर सॉल्व करेंगे जिनसे आपको बेहतर आइडिया होगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन टच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।